राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये आज हम टॉवल धोने जा रहे थे, वही वीडियो हमने कहा आज शेयर किए करेंगे। तो ये टॉवल को भिगो के हम रख देंगे। ये दोपहर में भिगो के हमने और टॉवल को रख दिया है। और उसके बाद में अब हम इनको अच्छे से 3-4 घंटे इसको धूप में रख दिया। धूप में क्या है, जो भी गंदगी होती है इसमें वो छूट जाती है। और इसमें डाला था टाइड, और कुछ नहीं डाला है, टाइड निरमा डाल के और इनको हमने भिगोया था। और इस ये टॉवल जो है इनको हम पैर से अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि हाथों से इतना नहीं हो पाता है, तो इसे पैर से क्लीन करेंगे। 2-3 बार इस तरीके से बदल बदल के इनको उठा के, और फिर इसको अच्छे से पैर से दबाएंगे। इससे क्या है कि बड़े जो कपड़े होते हैं, भारी कपड़े होते हैं, वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आप साफ़ करें तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा साफ़, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो ये टॉवल हमारी एकदम से क्लीन हो गई हैं। और अब हम इनको थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे। हाथों से मसलेंगे पैरों से, क्योंकि इसमें जो भी गंदगी जो बचेगी वो सारी साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी गंदगी साफ कर लेंगे। और टॉवल धोना थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि जल्दी साफ नहीं होती हैं। इसलिए अगर आप इनको भिगो के रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और धूप अगर लग जाए तो और भी अच्छी साफ हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएंगी। और इनको बाद में धूप में फैला देंगे। तो इसका ये अच्छे से सूख जाएंगी। तो इस तरीके से एक एक डालते हुए और इसको धुलाई कर लेंगे। इसे पानी भी कम लगता है और अच्छे से धुलाई भी हो जाती है। 2-3 बार धुल लेंगे, ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता है। और ऐसे भी टाइड जो है, टाइड अच्छा होता है सर्फ, उसको डालने से कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इनका जो पानी है वो सब सारा कुछ निकाल देंगे हाथों से, और इसके बाद में इसको फिर लास्ट बार धुल लेंगे टॉवल को। इसी बकेट में धुल लेंगे। तो ऐसे ही एक एक करके चारों टॉवल को धुल देंगे। और इसमें ये बच्चों की टॉवल हैं, तो अच्छे से निचोड़ लेंगे इनको। तो इस तरीके से निचोड़ के अच्छे से इनको, और इस सारी टॉवल जो हैं हमारी धुलाई हो गई हैं। और अब हमें इसे फैलाना है। हवा अगर बाहर है तो हवा में, नहीं तो धूप में फैला दो। धूप अगर है तो धूप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तौलिया जो है धूप में ही सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम इन्हें फैला देंगे जाके।
तो अच्छे से धूप नहीं है, बहुत हल्की है, लेकिन फिर भी हमने हवा बहुत अच्छी चल रही है और इन्हें यहाँ पर फैला दिया है और अब ये अच्छे से सूख जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।